नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बांदा में 16 नामांकन पत्रों के खारिज किए जाने से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड किसान यूनियन के द्वारा अशोक लाट चौराहे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन का संचालन किया और जिला अधिकारी के खिलाफ नारे लगाते हुए मांग की गई कि रद्द नामांकन को बहाल कर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। कहा कि अन्यथा किसी भी दशा में संगठन उर्ग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकता है। अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू ने खुद का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद चुनाव आयोग को भेजे शिकायती पत्र में कहा कि कुछ प्रत्याशियों के शपथ पत्र का सत्यापन सही नहीं है। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज।